हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल श्यामा स्टोर मेक ओबर्स एंड टूडे आई एम गोना रिव्यू वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड प्रोडक्ट एंड दैट ब्रांड इज़ नन अदर देन ईबा कॉस्मेटिक्स और आज मैं फिर से आपके लिए हेयर केयर रेंज के लिए ही इनका एक न्यू प्रोडक्ट था एंड नॉट एग्जैक्टली आ वेरी न्यू प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से इनका ये लॉन्च है बट मैंने भी रिसेंटली इसको परचेज़ किया और मैंने इसे यूज़ किया एंड आई थॉट एज समर्स आर अप्रोचिंग सो आई शुड स्विच फ्रॉम विंटर केयर प्रोडक्ट्स टू समर केयर असेंशियल्स बिकॉज अभी हमको क्या है कि स्टार्टिंग से ही अपनी हर चीज़ का ध्यान रखना है लाइक हमारी स्किन है हेयर्स हैं बॉडी है एवरी थिंग एंड ऑल्सो आवर डाइट सो जो मैं इस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ ये ईबा का प्लान बेस्ड कैरेटिन हेयर सिरम है एंड इसकी जो स्पेशलिटी है दैट इज मैंशनड दैट इट इज़ एंटी फ्रेस हाई ग्लॉस एंड डैमेज प्रोडक्शन सो जो कुछ भी है वो मैं आपको इस ब्लॉग में आज बताने वाली हूँ सो बिफोर Giving you the review, I will request you all that please do subscribe my channel and don't forget to like my this video and also uh, for uh, further more uh, videos do press the bell icon so that you will never miss any update and I would highly appreciate you if you uh, take a minute and follow my insta page and my fb page to know a little bit more about me. सो so, अब हम बात करते हैं इस सिरम की मैंने इसको क्यों परचेज किया बिकॉज मैं काफी टाइम से देख रही थी इसके अच्छे अच्छे रिव्यूज थे एंड इट हैज अ प्रोटेक्शन फार्मूला सो जो मुझे काफी ज्यादा स्पेशल लगा कि मुझे इसे परचेज करना चाहिए और इसे ट्राई करना चाहिए बिकॉज एज ऑल यू नो कि समर्स आते ही जो सन की रेसेस हैं उसमें हार्मफुल जो यू वी रेसेस होती हैं वो हमारे स्किन uh, को हमारे हेयर्स को सबको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं एंड नंबर टू इज़ दिस कि हमें हीटिंग ट्यूब्स बहुत ज़्यादा uh, जो लोग फ्रिक्वेंटली अप्लाई करते हैं या जो कभी कभी करते हैं या सैलॉन्स में जाते हैं हेयर कट लेते हैं ग्लोड्रा एनॉल तो उनको भी ज़रूरत होती है कि वो अपने हेयर uh, का जो मॉइस्चर है उसको लॉक करें और एक ऐसा सिरम जो मल्टीपर्पज़ हो गया बिकॉज मैं मुझे इसको परचेज करने के बाद अलग से हीट प्रोटेक्टर नहीं लेना पड़ेगा तो मुझे ये काफी वर्थी लगा अब इसकी प्राइसिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो थ्री नाइन्टी की है थर्टी सिक्स मंथ की आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी एंड वन मोर प्रोटेप आई वॉन्ट टू गिव इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे वीडियोस को आप पूरा देखा करिए ताकि आपको बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे मिस आउट ना हो जाए कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है जो आपने परचेज़ किया अनलेस एंड अनटिल आपको उसको यूज़ करना है आप उसकी सील को ब्रोक मत करें उससे उसकी एक्सपायरी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो जो आपका एटमोसफेयर होता है उसमें आ जाता है एंड उसका जो भी लाइक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है या अलग अलग फार्मूलाज से हर प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होता है तो उससे प्रॉब्लम होती है स्पेशली लाइक एंड ऑल सो अगर आपको जब भी uh, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना है आप तभी उसकी सील ब्रोकन करिए ऐसे मत करिए इसीलिए मैं जो भी प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ मैं उनको पहले ट्राई कर लेती हूँ यूज़ कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं रिव्यू देती हूँ ऐसा नहीं कि पहले मैंने रिव्यू दे दिया बिना ट्राई किए तो उसका भी निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा मेरे सब्सक्राइबर्स पर एंड ऑफकोर्स अगर मुझे सिर्फ रिव्यू दूंगी और उसके बाद मैं उसे यूज़ नहीं करूँगी तो उसकी एक्सपायरी भी जल्दी हो जाएगी एंड इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत क्यूट सी ब्लैक कलर की है इस तरह के कार्टून बॉक्स में आता है एंड इसमें इन्होंने कुछ और भी है अब मैं इसमें आपको रीड आउट करके बता देती हूँ कि आपको कैसे कैसे ये जो सिरम है वो प्रोटेक्ट करेगा आपके हेयर्स को सो द नंबर वन पॉइंट इज कि ये जो है आपके हेयर्स को स्मूदन करेगा और उसमें हाई ग्लॉस प्रोवाइड करेगा थोड़ी सी शाइन प्रोवाइड करेगा नेक्स्ट है ये आपके हेयर्स को कंडीशन भी करता है और उनको सॉफ्ट और फ्रिज फ्री बनाता है नेक्स्ट है कि ये रिड्यूस करेगा ब्रेकेज डी टैंगल करेगा और इम्प्रूव करेगा कि आप इजिली कॉम कर सकें सो ऑब्वियस की बात है सीरम लगाने के बाद फिर जो हमारे टैंगल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और ये प्रोटेक्ट करेगा आपको डैमेज से अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेसेस जो इससे आपके हेयर्स जो है वो बहुत ही ड्राई बिचेस और कलर फेडेड हो जाते हैं कोर्स आपको पता होगा कि जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं उनके हेयर्स की जो रफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है फ्रिजीनेस भी एंड ड्राई भी बहुत हो जाते हैं नेक्स्ट ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हीट डैमेज जैसे मैंने बताया था कि हीट प्रोटेक्टेंट की जगह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं एंड जब भी आपको ग्लो ड्राई करना हो या आपको स्ट्रेटनिंग कर कुछ भी करना हो एनी हेयर स्टाइल तो आप इसको अप्लाई कर लीजिए एंड आई वल सजेस्ट आप टू थ्री मिनट्स का वेट करिए ताकि कायदे से जो भी मॉइस्चर है वो आपके हेयर्स में अब्जॉर्व हो जाए तभी आप हीटिंग टूल का अप्लाई करें नेक्स्ट है ये हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है एंड इलासिसिटी भी प्रोवाइड करता है एंड जो डैमेज हेयर्स है उनको रिवाइटिलाइज करता है फिर इसके जो तीन हीरो इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक प्लांट कैराटिन आर्गेन ऑयल एंड यूवी फिल्टर्स उसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है अब हम फाइनली देख लेते हैं रिवील करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में दिखता कैसे है तो ये कुछ इस तरीके की ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है ओके यहाँ पर इन्होंने ब्रांडिंग आगे पीछे करके रखी हुई है सो द बेस्ट पार्ट इज कि ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है तो आपको पता रहेगा कि आपको कब स्टॉक इन करना है और आप उस हिसाब से उसे परचेज कर सकते हैं मैंने इसको हार्डली ट्वाइस यूज़ किया है एंड ये इस तरीके का यहाँ पे नोजल कैप आता है इसको जब आप आगे ही पुश करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे जब आप पंप करेंगे तो आपका लाइक जो प्रोडक्ट है वो निकलेगा एंड उसको आपको अप्लाई करना होगा मैंने ऑलरेडी आज हेयर वॉश किया था और मैंने अपने हेयर्स पे अप्लाई किया है एंड ट्रस्ट भी मैंने कोई भी हीटिंग टूल अप्लाई नहीं किया है बट इस वीडियो में मैं आपको एक लाइक डेमो देना चाहती हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है सेक्शंस पे अपने हेयर्स को डिवाइड कर लेना है जैसे कि मैंने किया है अभी जितनी मेरी हेयर लेंथ है बस मेरी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी यू जस्ट सी बहुत लाइटली आपको पम्प करना है क्योंकि कभी कभी आप जल्दीबाजी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट uh, को पंप कर लेते हैं एंड वो वेस्ट को लीड करेगा सो जस्ट हैव टू टेक लाइक वन फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड ओके इतना प्रोडक्ट आया फिर मैं टू पंप भी ले रही हूँ जब आप कस के पुश करते हैं तब निकलता है। ये देखिए टू पंप में कितना ज्यादा मेरे पास प्रोडक्ट आ गया है देन यू हैव टू जस्ट वार्म अप बिटवीन योर हैंड्स थोड़ा सा इसको वार्म कर लीजिए लाइक दिस यू कैन सी मेरे हाइथ पे भी शाइन आ गई है एंड देन आप इसको आराम से अप्लाई कर लीजिए हमेशा मैंने बताया है कि सीरम को आपको यहाँ से अप्लाई करना है ओके okay? एंड इस तरीके से कुछ आप अप्लाई करेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द सीरम ऑन द एंड्स बिकॉज यू कैन सी कि मेरे जो ये एंड्स हैं ये भी काफ़ी भी डेड हो गए हैं हाव टू टेक अ हेयर कट्स डेफिनेटली इनशाला टेक सो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है एंड यू कैन सी कि मैंने ऑलरेडी इसको अप्लाई किया था एंड आपके सामने भी किया है ये थोड़ी शाइन भी प्रोवाइड कर रहा है एंड ऑफकोर्स uh, मैं कॉम कर चुकी हूँ डिटेंगल तो इसने काफ़ी हेल्प की थी

UV races, सबसे जो है आपका जो हेयर्स है वो एक्सपोज होंगे ही होंगे चाहे आप टाई करें चाहे आप उसको ओपन करें एंड कोर्स मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि हीटिंग टूल्स भी अप्लाई कर ही लेते हैं लाइक like, कुछ नहीं किया तो हमने ब्लो ड्राई कर लिया सो so, जिसकी वजह से हेयर्स में लाइक like, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो हमें अच्छे से केयर करनी चाहिए सो आई वुड सजेस्ट और इस प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको बाय कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ लॉन्ग टर्म के लिए यू लाइक माई दिस वीडियो एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर श्योर एंड फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट्स डू सब्सक्राइब माई चैनल